दिल्ली में नगर निगम के चुनाव आने को है और दिल्ली में शराब के ठेकों पर एक शराब की पेटी खरीदने पर एक शराब की पेटी मुफ्त मिल रही है। कुछ भी बचाना कहने को हर बात हो गई, आओ कहीं शराब पिए रात हो गई। शायर निदा फाजली का यह शेर इन दिनों दिल वालों की दिल्ली में शराब के शौकीनों पर पूरी तरह से फिट बैठता है। आपको तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा होगा जैसे तैसे दिल्ली से कोरोना खत्म हो चुका है, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल नई लीकर पॉलिसी आने के बाद राजधानी दिल्ली में कई तरह की शराब काफी भारी डिस्काउंट पर बिक रही है। दिल्ली में इन दिनों आलम यह है कि शराब पर 30 से 40 फीसदी डिस्काउंट मिल रहा है। यह डिस्काउंट न केवल भारत में बनी शराब बल्कि इम्पोर्टेड शराब पर भी मिल रहा है। दिल्ली सरकार की नई लीकर पॉलिसी में कीमत तय करने की छूट दे दी गई है, जिसके बाद से अपनी सेल बढ़ाने के लिए कई वेंडर्स डिस्काउंट पर शराब बेच रहे हैं। NCR इलाके में आने वाले गुरुग्राम और नोएडा के मुकाबले दिल्ली में शराब की कीमतें फिलहाल काफी कम हो गई है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के क्षेत्र के एक वाइन शॉप पर हजार की संख्या में लोग शराब लेने के लिए आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, जिसके चलते नोएडा दिल्ली खोड़ा के सैकड़ों की संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई है। दिल्ली पुलिस और CISF के जवान स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जब शराब खरीदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है कि शराब पर भारी डिस्काउंट देकर हम सबको खुश कर दिया है। यहाँ पर वाइन शॉप पे कब से खड़े हो गए और क्या क्या है आज जो घंटे से खड़े हैं? सुबह से ये दे रहे हैं, एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री दे रहे हैं। ये इशू है और अपने बंदों को ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? है रजत। अच्छा, आप यहाँ पर आए तो क्या किस लिए आए हैं? हम दारू लेने आए थे, गेट बाय गेट फ्री मिले था, अब ठेके बंद कर दिए हैं। अच्छा, अभी तक लाइन में खड़े थे, 3 घंटे से लाइन में खड़े थे। अच्छा, टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।